हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने कुछ दिलचस्प उदाहरणों द्वारा वस्तुओं के हिस्सों की तुलना करना सीखा। इस वीडियो में हम इससे संबंधित कुछ गलत धारणाओं के बारे में जानेंगे। बब्बन, बन्नी और चंदा के खेतों में इस बार बहुत अच्छी फसल हुई है। उन तीनों ने मिलकर सोचा, क्यों न वे अपनी अपनी फसल का कुछ हिस्सा जमा करके मिलकर कुछ स्वादिष्ट बनाए। बब्बन के खेत में 100 मकई उगी है, बन्नी के खेत में 30 गाजर उगे हैं और चंदा के खेत में 70 टमाटर उगे हैं। बब्बन ने कहा कि वो अपने मकई का 1/5 हिस्सा देगा। बन्नी ने कहा कि वो अपने गाजर का आधा हिस्सा देगा और चंदा ने कहा कि वो अपने टमाटर का 1/7 हिस्सा देगी। तीनों ने अपनी अपनी सब्जियां इकट्ठा कर ली और उससे स्वादिष्ट व्यंजन बनाया। अब जब व्यंजन बांटने की बारी आई तो बन्नी ने कहा कि क्योंकि 1/2, 1/5 और 1/7 से ज्यादा है, इसलिए उसे उस व्यंजन का 1/2 या आधा हिस्सा मिलना चाहिए। लेकिन बब्बन कह रहा है कि उसने सबसे ज्यादा सब्जियां दी हैं, इसलिए उसे व्यंजन का सबसे बड़ा हिस्सा मिलना चाहिए। बच्चों, आपको क्या लग रहा है, किसकी बात सही है, बब्बन की या बन्नी की? यदि हम केवल भिन्नों फ्रैक्शंस की तुलना करें तो पाएंगे कि बन्नी की बात सही है, क्योंकि 1/2 भिन्न 1/5 और 1/7 भिन्न से बड़ा है। लेकिन यहां ये भिन्न अलग अलग वस्तुओं के हैं जिनकी मात्रा भी अलग अलग है। जैसे 30 गाजरों का 1/2, 100 मकई का 1/5 और 70 टमाटरों का 1/7। बब्बन, बन्नी और चंदा की सब्जियों की मात्रा अलग अलग हैं, इसलिए केवल भिन्नों की तुलना करके हम नहीं बता सकते हैं कि ज्यादा सब्जियां किसने दी हैं। तो अब हम क्या करेंगे? उनके बीच की उलझन को सुलझाने के लिए हमें तीनों ने दी सब्जियों की संख्याओं का पता लगाना होगा। यहां बब्बन, बन्नी और चंदा के फसल में उगी सब्जियों की कुल मात्रा और उनके हिस्से लिखे हैं। क्या आप इन हिस्सों से तीनों ने दी सब्जियों की संख्याओं का पता लगा सकते हैं? आप चाहे तो वीडियो को रोककर इसका उत्तर ढूंढ सकते हैं। शाबाश बच्चों, आपने इसका उत्तर बिल्कुल सही ढूंढा है। बब्बन ने 100 का 1/5 या 20 सब्जियां दी, बन्नी ने 30 का 1/2 या 15 सब्जियां दी और चंदा ने 70 का 1/7 या 10 सब्जियां दी। बब्बन ने कही बात बिल्कुल सही है, उसने व्यंजन के लिए सबसे ज्यादा सब्जियां दी हैं, इसलिए उसे व्यंजन का सबसे बड़ा हिस्सा मिलना चाहिए। बब्बन ने ठीक इसी तरह से बन्नी और चंदा को उसकी बात समझाई और दोनों समझ गए। लेकिन बब्बन ने कहा कि उसे सबसे बड़ा हिस्सा नहीं चाहिए। तीनों ने मिलकर खुशी खुशी व्यंजन के बराबर हिस्से किए और मजे से उसे खा लिया। बच्चों, ध्यान रहे कि हम दो वस्तुओं के भिन्न फ्रैक्शंस की तुलना केवल तभी कर सकते हैं जब उन वस्तुओं के पूरे होल की संख्याएं समान हो। जैसे हम जानते हैं कि 1/2 भिन्न
1/5 भिन्न से ज्यादा है। लेकिन अगर हम बात करें 100 का 1/5 की, जो 20 के बराबर है, और 30 का 1/2 की, जो 15 के बराबर है, तो हम देख सकते हैं कि 30 का 1/2 100 के 1/5 से छोटा है, क्योंकि उनके पूरे होल समान नहीं है। इसलिए भिन्न की तुलना करने के लिए हमें भिन्न के साथ साथ उनके पूरे पर भी ध्यान देना चाहिए। बच्चों, इस वीडियो में हमने वस्तुओं के भिन्न फ्रैक्शंस की तुलना करने से संबंधित कुछ गलत धारणाओं के बारे में जाना।